आज मैं आपसे लाहौर की दो इमर्जिंग सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, जहां पर आप इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ही कम टाइम में दुगना कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद खावर फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप आपको डेली बेसिस पे पाकिस्तान भर में चलने वाले डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट देता है। इसके अलावा हमारे पेजेस पे आपके आने वाली डिफरेंट क्यूरीज का रिस्पांस निहायत ही ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल वे में किया जाता है। इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए आज मैं जिस सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, उनमें से पहली सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट वन। डिस्ट्रिक्ट वन सोसाइटी जो है वो 101 ग्रुप की सोसाइटी है। अगर हम 101 ग्रुप के पोर्टफोलियो की बात करें तो 101 ग्रुप ऑलरेडी ड्राइविंग रोड पर आइकन वैली के नाम से एक सोसाइटी डिलीवर कर चुका है। डिस्ट्रिक्ट वन की लोकेशन की बात करें तो ये जाति उमरा रोड पर है। फिजाइया हाउसिंग स्कीम फेज़ 2 के बिल्कुल साथ ये सोसाइटी की एंट्रेंस है, जहाँ पे आने वाले वक्त में इसका गेट लगा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी ऑपोजिट साइड पे बात करें तो ऑपोजिट साइड पे इसके जो लैंड है वो बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चिड, बहरिया ग्रुप की वो मलकियत है, जहाँ पे बहरिया आने वाले वक्तों में अपने नए प्रोजेक्ट्स को, नए ब्लॉक्स को अपने लॉन्च करेगा। डिस्ट्रिक्ट वन की अगर सबसे एक ख़ास खसूसियत बताई जाए, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा खसूसियत है, वो ये है कि ये हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको डेवलप करेगी। हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, हबीब रफीक पाकिस्तान भर में डिफरेंट रोड्स, फ्लाईओवर्स, इसके अलावा सोसाइटीज़ जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी आती है, लाहौर स्मार्ट सिटी, इनको डेवलप कर चुका है। अभी डिस्ट्रिक्ट वन का प्री लॉन्च प्राइसेस चल रही हैं, जिसमें आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अभी ये प्री लॉन्च प्राइसेस पे इसका थोड़ा सा ओन डिमांड किया जा रहा है मार्केट में, जो कि ओन पे करके आप इसको अपने प्लॉट को परचेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसकी एक खसूसियत की बात करूँ जाति उमरा रोड की, तो जाति उमरा रोड पे फिजाइया हाउसिंग स्कीम है। इसके अलावा जो बहरिया टाउन है या इसके करीब अगर आप देखें तो बहरिया ऑर्चिड लगती है। इन किसी भी सोसाइटीज़ में जो प्लॉट्स हैं वो फुल कैश पेमेंट भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें एक वाहिद सोसाइटी इस रोड पे आ रही है डिस्ट्रिक्ट वन के नाम से, कि जो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे, आपको 2.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको आपके प्लॉट देगी। यहाँ पर अगर कटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर 5, 7 और 10 मरला की कटिंग है। 5 मरला की जो टोटल पेमेंट, जो टोटल प्राइस है वो 45 लाख है, जबकि आप उसकी बुकिंग जो है जस्ट 10% डाउन पेमेंट देकर उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी आपकी जो इकसात हैं वो अगले आप 2.5 साल में अदा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वन पर आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये हबीब रफीक ग्रुप की एक प्रोजेक्ट है, उनका एक जॉइंट वेंचर है 101 ग्रुप के साथ। तो इस पे जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनको इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अभी से जब ये प्री लॉन्च में है तो इस पे एक अच्छा ओन डिमांड किया जा रहा है। वक्त आने के साथ साथ इन फ्यूचर इसका ओन बढ़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी इस टाइम ऑलरेडी एक बहुत बड़े ओन पे चल रही है। तो जो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक कम बजट में, तो वो डिस्ट्रिक्ट वन में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अलावा यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो कोशिश करें कि कमर्शियल में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ का जो कमर्शियल है वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। दूसरी सोसाइटी जो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है वो है विक्टोरिया सिटी। विक्टोरिया सिटी की लोकेशन केनाल रोड पर है। अगर आप बहरिया टाउन से जाएँ तो बहरिया टाउन से अराउंड ये 10 से 12 मिनट की मुसाफत पर है, या अगर आप जैतून सिटी से जाते हैं तो जैतून सिटी से इसका जो डिस्टेंस है वो 4 से 5 किलोमीटर है। इसकी दो एंट्रेंस हैं, एक इसकी एंट्रेंस आती है केनाल रोड से और दूसरी इसकी एंट्रेंस मुल्तान रोड से है। यहाँ पर विक्टोरिया सिटी में प्लॉट्स की कटिंग 3 मल्ला से स्टार्ट होती है, जो कि 2 कनाल तक जाती है। यहाँ पे विक्टोरिया सिटी में जो प्राइस रेंज है वो बाकी सोसाइटीज़ की नस्बत बहुत कम है। इसमें भी अभी स्टार्टिंग आने के बाद इस पर एक थोड़ा सा इस पर ओन डिमांड किया जा रहा है, लेकिन अगर आप ट्राई करें तो आपको ये लेवल पे भी मिल जाता है, मतलब कंट्रोल प्राइसेस पे भी आपको मिल सकता है। विक्टोरिया सिटी में आप अपने 3 मरला प्लॉट की जो रजिस्ट्रेशन है, जो इसकी बुकिंग है, वो आप सिर्फ 2.5 लाख रुपये से करवा सकते हैं। बाकी इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो सिर्फ 15,000 रुपये है। तो जो लोग आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, जो अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, वो यहाँ विक्टोरिया सिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो इन्वेस्टर हजरात हैं जो एक ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कम इन्वेस्ट करके, तो वो 20 लाख रुपए की रकम से यहाँ पे कमर्शियल में, 5 मरला कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि विक्टोरिया सिटी के कमर्शियल की एक खासियत ये भी है, चूँकि इसकी दो एंट्रेंस है, एक केनाल रोड से और दूसरी मुल्तान रोड से, तो इसके जितने 5 मरला के जो कमर्शियल्स हैं वो इनकी एंट्रेंस पे आएंगे। आप अगर केनाल रोड से एंटर होते हैं तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स आने से पहले यहाँ इसके कमर्शियल्स की कटिंग आएगी, अगर आप मुल्तान रोड से एंटर होते हैं तब भी इसकी कमर्शियल की कटिंग आएगी, और विक्टोरिया सिटी के सेंटर में सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स आएंगे। तो कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो इसलिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि जब वो यहाँ पर कल को कोई शॉपिंग मॉल या कोई किसी भी किस्म का कोई टावर बनाते हैं तो वो ना सिर्फ उसको विक्टोरिया सिटी के रेजिडेंट्स जो वहाँ के रहायशी हैं ना वो उससे फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि केनाल रोड के लोग, वहाँ जैतून सिटी के लोग, इसके अलावा मुल्तान रोड से गुजरने वाले लोग वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और इससे उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए मेरा आप सबको मशवरा है, जितने भी लोग जो अच्छी एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो विक्टोरिया सिटी के कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी डाउन पेमेंट सिर्फ 20 लाख रुपये है, बाकी आप 4 साल के आसान एक साथ में पेमेंट करके इसके मालिक बन सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि मैं आपको इन दो सोसाइटीज़ के बारे में अपडेट देता चलूँ जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके अपनी अमाउंट से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इन दो सोसाइटीज़ या इसके अलावा लाहौर में, पाकिस्तान भर में किसी भी सोसाइटी या किसी अपार्टमेंट, किसी होटल रूम, किसी भी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट्स मुझे व्हाट्सएप या ईमो पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।